नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। ये आरजेडी का प्रदर्शन है। यह कश्मीर की घाटी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर पथराव शुरू हो चुके हैं। आरजेडी के कार्यकर्ताओं तरफ से भी पथराव किए जा रहे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी जवाबी कार्रवाई जो है वो कर रही है। देखिए किस तरीके से वाटर कैनन से उन पर पानियों की बौछार की गई है। आपको हम बता दें, आरजेडी के नेताओं द्वारा आज विधानसभा का घेराव किया जाना था, जिसको लेकर जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। ऐसे में पटना पुलिस तो पहले से तैयार थी ही, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक कह सके तो जो रैला है वो पटना के जेपी गोलंबर से निकलकर पटना के डाकखाना चौराहे तक पहुंच गया। उसके बाद क्या था, दे लाठी दे ईंट जो है वो चलनी शुरू हो गई है। और ये तस्वीरें आप आपको पटना के डाकबंगला चौराहे से दिखा रहे हैं। ऋतु जायसवाल जो कि आरजेडी की काफ़ी बुलंद महिला नेता है, वो भी कुछ कह रही हैं। जरा सुनिए और तस्वीरें देखते रहिए। लाठी चार्ज करके इनकी आवाज नहीं आ रही है मैम, लेकिन कहा जा रहा है कि राजद द्वारा लाठी चार्ज जा रही है। हाँ, सब कुछ राजद द्वारा हो रहा है। पागल है जो सब यहाँ पे आए हुए, ये जनता की आवाज है। उन्होंने जितने भी वादे किए थे वो सब झूठे, उसके खिलाफ आप सदन का घेराव है। आगे क्या कर रहा है? आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से पटना डाकखाना चौराहा पर फिलहाल कैसे कहते हो कर्फ्यू जैसे हालात हैं। यहाँ पर प्रदर्शन काफ़ी उग्र हो चुका है और ईंट चलाए जा रहे हैं समर्थक द्वारा, कार्यकर्ता द्वारा, आरजेडी नेताओं द्वारा। पुलिस भी जो है अब लाठी चार्ज करेगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं पटना डाकखाना चौराहा से। तो 15 मिनट तक लगातार पटना की सड़कों पर लाठी चार्ज हुई, पत्थरबाजी भी हुई और उसके बाद अब फिलहाल पटना के डाकबंगला चौराहे को शांत कराया गया है। तस्वीर देखिए नीचे किस तरीके से आरजेडी के झंडे, जूते, ये जो ईंट पत्थर है, इतना ईंट पत्थर आपको दिख रहा होगा, कैसे उन पर लाठियां चार्ज की गई। देखिए किस तरीके से अभी भी लाठी चार्ज की जा रही है। जो लोग कहीं कोने कोने में छुपे हुए हैं उन सभी को ढूंढा जा रहा है पुलिस बल द्वारा और उन पर कार्रवाई की जा रही है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।